नियमितीकरण की मांग को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में एसएमसी अध्यापक शिमला सचिवालय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पहुंचे। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि सितंबर महीने तक का उनको सरकार की तरफ से नियमित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन अक्टूबर महीना शुरू होने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आज एक बार फिर एसएमसी अध्यापक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और अगर आज भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो वे अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। एसएमसी अध्यापकों का कहना है कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में वे कई वर्षों से अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूलों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। हर बार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही सरकारें एसएमसी अध्यापकों को नियमितीकरण का आश्वासन देती हैं, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है। एसएमसी अध्यापकों ने क्या कहा, सुनिए विस्तार से। मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ हिमाचल प्रदेश एसएमसी यूनियन। 2012 से जो हमारे नियमितकरण की जो मांग है वो हमारी लगातार चलती आ रही है, लेकिन सरकार की ओर से आज तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन सिवा कुछ भी नहीं मिला है। आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। पिछली गवर्नमेंट में भी हमें आश्वासन की कुछ हाथ नहीं लगा। मैं एसएमसी अध्यापक हूँ, मेरा नाम वीना ठाकुर है और हम लोग आज अपनी यही डिमांड लेकर जो है यहाँ आए हैं कि सरकार जो है, सीएम साहब जो है, हमें एक निश्चित तिथि बताए कि इस दिन हम जो है आपको रेगुलराइजेशन का तोहफा देंगे। हमें आश्वासन नहीं चाहिए। यहाँ पर हम अभी आश्वासन तो हमको मिलते ही रहते हैं, बट अभी हम दिवाली का तोहफा लेंगे। हमारा मेन एजेंडा है दिवाली का तोहफा लेना। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।